डभोई नगर में रहते ख्रिस्ती समाज के परिवार द्वारा कोरोना वायरस की महामारी अंतर्गत आज सादगीपूर्ण माहौल में अपने घर में ही क्रिसमस पर्व मनाया था। 25 दिसंबर यानी कि ख्रिस्ती समाज के प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्मदिन को नाताल के रूप यानी कि बड़ा दिन के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो वहीं उनके जन्मदिन की घटना मानव इतिहास के हिस्से में दो हिस्से में करते हुए प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्मदिन मनाया जाता है। आज से 2000 वर्ष पहले इसराइल के एक छोटे से गांव में प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ था। तो वहीं 25 दिसंबर क्रिसमस पर्व यानी कि बड़ा दिन नाताल पर्व को मनाते हुए देश और दुनिया में विविध कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष कोरोना वायरस की महामारी अंतर्गत डभोई नगर में रहते ख्रिस्ती परिवार द्वारा आज सादगीपूर्ण माहौल में ही क्रिसमस यानी कि नाताल पर्व अपने घर में रहकर ही मनाया गया था। कोरोना वायरस की महामारी अंतर्गत जाहिर कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। जहां डभोई नगर के पारसी वाली जिन में रहते पंद्राजीत ने ख्रिस्ती समाज के परिवार द्वारा आज घर में ही रहकर प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्मदिन मनाते हुए एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दी गई थी। हर वर्ष ये ख्रिस्ती परिवार वडोदरा स्थित चर्च में जाकर प्रार्थना सभा करते हुए और रिश्तेदारों के साथ मिलकर ये पर्व मनाता आ रहा है, लेकिन इस वर्ष सादगीपूर्ण माहौल में अपने घर में ही रहकर प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्मदिन मनाते हुए पर्व की शुभकामना दी थी। आज 25 दिसंबर यीशु ख्रिस्त नो जन्मदिवस એને આજે અમે ઉજવી રહ્યા છીએ ડભોઈ ખાતે, પરંતુ અહીંયા આ વખતે કોરોનાના લીધે અમે ખાસ બહુ મોટી ઉજવણી કરી નથી। એમ તો અમે દર વર્ષે અમારા બધા ભાઈઓ સાથે વડોદરામાં ચર્ચમાં ઉજવણી કરીએ છીએ, પરંતુ આ કોરોનાના લીધે આજે અમે અહીંયા ડભોઈમાં પોતપોતાના ઘરે ખૂબ સાદાઈથી ઈસુનો જન્મદિવસ ઉજવ્યો છે। અને ઈસુનો જન્મદિવસ એક શાંતિનો સંદેશ લઈને આવે છે કે દરેક જણે વિનમ્રતાથી ને શાંતિથી એકબીજા સાથે ખૂબ પ્રેમથી રહેવું જોઈએ। એકબીજાને જો મનમાં દુઃખ વેર ભાવ હોય તો બધા આજે એકબીજાને માફ કરીને આગળ વધીએ અને એકબીજા પર પ્રેમ રાખીએ, અડોશ પડોશ પર તથા દરેક ધર્મના લોકો પર એકબીજા સાથે ખૂબ હળીમળીને પ્રેમથી રહીએ, એ જ સંદેશ આજના દિવસે આ દિવસ આપી રહ્યો છે। શું નામ? મારું નામ અર્પિત છે, અર્પિત ચૌધરી। હું વિષ્ણુધામ સોસાયટીમાં રહું છું અને આજે અમે અહીંયા સાદાઈથી જ ખૂબ સાદાઈથી આ કોરોનાના હિસાબે ખૂબ જ સારા છે આ પવિત્ર પર્વને ઉજવી રહ્યા છે।